गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्ते। हमारे सिलीगुड़ी शहर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कोविड के आंकड़े रोज कभी 35, कभी 40, कभी 50 की संख्या सामने आ रही है। यूं तो देश के अन्य शहरों में भी कोविड के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन नॉर्थ बंगाल और सिलीगुड़ी के लिए चिंता का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारे पास दिल्ली, बॉम्बे या चेन्नई जैसी उचित व्यवस्था नहीं है। हमारे पास अस्पताल का अभाव है, अस्पताल में बेड की कमी है, आईसीयू बेड की कमी है, डॉक्टर, नर्स और स्टाफ का भारी अभाव है और अस्पताल के अंदर में उचित मात्रा में हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं है। इवन जिन लोगों का कोरोना की वजह से मृत्यु हो जाता है तब भी हम उनको समय पे शमशान घाट तक ले जाने की हमारे पास उचित मात्रा में एम्बुलेंस और ड्राइवर तक नहीं है। कल ही सिलीगुड़ी में एक प्राइमरी टीचर की मृत्यु सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि समय रहते हम उनको कोविड अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाए। अगर हम उनको समय रहते इलाज दे पाते तो शायद आज वो हमारे बीच होते। इस सदमे को उनकी पत्नी सहन नहीं कर सकी, उन्होंने भी अपनी दोनों बच्चों के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की। आज तीनों के प्राण जो है संकट में है। कोविड महामारी के 4 महीने बीतने के बाद भी हमारे पास एम्बुलेंस का अभाव है, हमारे पास अस्पताल बेड, हमारे पास डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की कमी है। भारतीय रेलवे की तरफ से न्यू जलपाईगुड़ी के अंदर में 20 जो है आइसोलेटेड कोच बन करके तैयार है, लेकिन उसका भी उपयोग टीएमसी की सरकार नहीं कर रही है। और अगर आज भी सारे नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी के पॉलिटिकल पार्टी सारे नेता मिल करके तालमेल बिठा के काम करें, मुझे लगता है इस संकट से हम लोगों को बचा सकते हैं। और मेरा ये भी कहना है कि प्रशासन को भी अपना काम करने देना चाहिए, प्रशासन के काम में इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सो अंत में एक बार फिर मैं अपनी मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करता हूँ कि सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन एरिया में एक बार 15 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लागू कर दें। और मैं अपनी जनता से भी ये निवेदन करता हूँ, हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और अगर हो सके तो हम घर से बाहर न निकले। इसी में आपकी हम सबकी भलाई है। और अंत में यही कहना चाहूंगा, डरे नहीं लेकिन सावधानी जरूर बरतें। जय हिंद, जय भारत।